कॉस्की सारी सर के साथ क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली है एंड वो बहुत अच्छे से और प्यार से यू नो चीजों को डील करते हैं। जो गले में चेन मैंने नथनिया के टाइम पे पहना हुआ है वो भी सारी सर का खुद का पर्सनल चेन है वो, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि इतने ज्यादा व्यूज मिलेंगे मुझे उस गाने पे, इतना ज्यादा प्यार मिलेगा उस गाने पे। नथनिया मैंने कहीं नहीं छोड़ा, मैं सर के हाथ में लेके आई हूँ। मैंने सर से पूछा, बात हुई, उन्होंने मुझे बुलाया, गाना सुनाया, आई वाज लाइक बहुत अच्छा गाना है ये, तो बहुत प्यारा गाना है। तो बताया था कि मैंने आपका इंटरव्यू देखा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आई थिंक वहीं से उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। जो कि सारी सर थे उन्होंने मुझे मेरे बालों का हेयर स्टाइल सब उन्होंने खुद करवाया था कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा, दो तीन हमने चेंज किए। हेयर स्टाइल से सीखने को बहुत कुछ मिलता है, मतलब बहुत कुछ। आप एक आर्टिस्ट के रूप में उनको देखोगे तो वो मुझसे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लाइक मैं कंपेयर ही नहीं कर सकती हूँ बिल्कुल भी। एंड वो मेरे साथ बहुत दोस्त की तरह मतलब बात करते हैं, एंड आई स्टिल अगर मैं आज भी सर को कॉल करती हूँ तो वो मेरा फोन उठाते हैं, उसके लिए बोलने की क्या जरूरत है, सर आई लव यू ऑलवेज। भोजपुरी तोरा की हम बहुत बहुत प्यार प्यार करें। देखिए नमस्कार, मैं हूँ छोटू बाबू छपरा वाले और आप लोग देखना शुरू कर दिया है भोजपुरी आटनाटन। दोस्तों आज हमारे पास जो देख रहे हैं ना ये वही हीरोइन है जो खेसारी लाल यादव जी के साथ एक गाना इनका रिलीज हुआ था नथुनिया, जो 65 मिलियन क्रॉस किया था। मैडम कैसी है? हाय गॉड ब्लेस यू, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? इतनी कामयाबी पाके कितनी खुश है आप, मिलियन स्टार बन गई हैं। यार आई एम सो ग्रेटफुल, मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया हूँ पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री की एंड जिन लोगों ने इस गाने को इतना ज्यादा पहुंचाया है उन सब की, आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंक यू। माफी चाहते हैं, भोजपुरी वाले इंग्लिश कम जानते हैं, ज्यादा भोजपुरी जानते हैं, तो भोजपुरी बात कर लेंगे। जितना भी आवे उतना बात कर ले। अगर प्यार के इजहार करेंगे तो कैसे करें? हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। हम रवा से प्यार करे बनी, बहुत प्यार करे, बहुत करे। आपका और एक खेसारी जी का गाना रिलीज हुआ था 65 मिलियन क्रॉस करके, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? उस चीज के लिए मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि इतने ज्यादा व्यूज मिलेंगे मुझे उस गाने पे, इतना ज्यादा प्यार मिलेगा उस गाने पे, एंड लोग मुझे बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं पर्सनली, इतने सारे डीएम्स और सर के साथ कि नेक्स्ट गाना कब आ रहा है, एक्साइटमेंट खत्म ही नहीं हो रही है लोगों की। नथुनिया कहाँ पर, कहाँ छोड़ के आई? नथुनिया मैंने कहीं नहीं छोड़ा, मैं सर के हाथ में लेके आई हूँ। मतलब खेसारी जी के साथ वापस काम करने इसलिए आपने वापस कर दिया उनको। हाँ, तो मैंने कहा जो दूसरा गाना आ रहा है उसमें वापस लेके पहन लूंगी, इसलिए। वो गाना आपको मिला कैसे? मुझे मेरी मॉम को एक्चुअली कॉल किया था, मेरी मॉम हर जगह मेरे साथ शूट पे रहते हैं, बट मेरी मॉम चंडीगढ़ में थे उस टाइम पे, तो उन्हें कॉल आया था, तो उन्होंने बोला कि अर्षा क्या फ्री है, कल एक शूट है एंड रियली वॉन्ट के सर के साथ वो काम करें, एंड तो मम्मा ने बोला हाँ मैं पूछ के बताती हूँ, एंड लकीली आई वॉज फ्री, तो मैंने सर से पूछा, बात हुई, उन्होंने मुझे बुलाया, गाना सुनाया, आई वॉज लाइक बहुत अच्छा गाना है ये, तो बहुत प्यारा गाना है, तो हमने गए और शूट किया। कुछ ऐसा किस्सा जो आप दर्शकों को बताना चाहिए, जो दर्शक आपका पिछले दिनों में एक इंटरव्यू किया था मेरे चैनल पे और काफी अच्छे खासे व्यूअर्स आए थे, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे और कैसे मिला था उस सॉन्ग आपको? कौन सा सॉन्ग? नथुनिया मेरे को लाइक ऑफकोर्स लोग मुझे जानते हैं, वो मेरे इतने सारे इंटरव्यू ऑफकोर्स आप लोगों की वजह से ही मुझे काम और ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि वो मेरे इंटरव्यूज देखते हैं, मुझसे मेरे साथ काम करना चाहते हैं, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। तो मुझे ऑफकोर्स उन्होंने देखा कि हाँ अर्षिया नाम की कोई लड़की है, उन्होंने सर ने मुझे ये भी बताया था कि मैंने आपका इंटरव्यू देखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आई थिंक वहीं से उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया है। शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा किस्सा जो दर्शकों को आप बताना चाहिए? हाँ, शूटिंग के दौरान ऑफकोर्स मैं बताना चाहूंगी कि जो कि सारी सर थे उन्होंने मुझे मेरे बालों का हेयर स्टाइल सब उन्होंने खुद करवाया था कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा, दो तीन हमने चेंज किए हेयर स्टाइल, फिर फाइनली उनको एक हेयर स्टाइल अच्छा लगा कि हाँ ऐसे करेंगे। जो गले में चेन मैंने नथनिया के टाइम पे पहना हुआ है वो भी सारी सर का खुद का पर्सनल चेन है वो मैंने शूट के टाइम पे सर ने मुझे पहनाया था कि ये लुक के साथ बहुत अच्छा लगेगा,
तो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड सर से सीखने को बहुत कुछ मिलता है, मतलब बहुत कुछ। आप एक आर्टिस्ट के रूप में उनको देखोगे तो वो मुझसे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लाइक मैं कंपेयर ही नहीं कर सकती हूँ बिल्कुल भी। एंड उनसे काफी उन्होंने मुझे सिखाया कि ऐसे करो ऐसे करो परफॉर्म एंड एक्सप्रेशन ऐसे दो, तो जितना हो सका मैंने कोशिश की पर उनकी तरह बेस्ट तो नहीं कर पाई मैं। सब कोई अच्छा ही पूछता, मैं पूछता हूँ खेसारी जी की बुराई क्या है। मुझे एक्चुअली पर्सनली मैं आपको एक बात बताऊं, आई एम सो सॉरी बट मुझे लोगों में बुराइयां दिखती ही नहीं है। इंसान कैसा भी हो मैं कभी उसकी बुराई नहीं देखती हूँ, सिर्फ अच्छी चीजें देखती हूँ। सो आपने पवन जी के साथ भी काम किया, आपने खेसारी जी के साथ, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल किसके साथ है? ऑफ कोर्स खेसारी सर के साथ क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली है एंड वो बहुत अच्छे से और प्यार से यू नो चीजों को डील करते हैं एंड सिखाते हैं परफॉर्मेंस कैसे करनी है कैसे करनी है। वो मेरे साथ बहुत दोस्त की तरह मतलब बात करते हैं एंड आई स्टिल अगर मैं आज भी सर को कॉल करती हूँ तो वो मेरा फोन उठाते हैं एंड हम बात करते हैं। तो ऑफ कोर्स खेसारी सर, खेसारी जी के भोजपुरी भाषा में आई लव यू कहना है तो कैसे उसके लिए बोलने की क्या जरूरत है सर? आई लव यू ऑलवेज भोजपुरी में अमित तुम्हारा वन सेकेंड थोड़ा सा स्टार्ट तो करो। आई लव यू, आई लव यू। तोरा की बहुत आनी, तोरा की हम बहुत बहुत प्यार प्यार करें। देखिए ये कपिल शर्मा शो तो नहीं मैं घुमा दूँ कि हम लोग मैंने हम तरह ले जाकर माई बनने वाला बनी, ये चीज़ तो समझ में आती है आपको? चले जे जाते जाते जो आपके चाहने वाले जो आपको मिलियन स्टार बनाए उनसे आप स्पेशली क्या कहना चाहेंगे? इसलिए कि जब मैं इंटरव्यू डालूंगा तो बहुत सारे कमेंट आएंगे, बहुत सारे सवाल आएंगे, बहुत सारे आपके फोटो के ऊपर लाइक भी आएंगे, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जितने भी मेरी लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं इंडस्ट्री के, किसी भी इंडस्ट्री के, और जितने भी लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं उनसे सिर्फ एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच, आपका बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद कि आप मुझे प्यार करते हैं जैसी मैं हूँ उसे, एंड आप हम मुझे एक्सेप्ट किया है इंडस्ट्री की, मैं हूँ भी नहीं एंड फिर भी मुझे एक्सेप्ट किया है एंड धीरे धीरे बन रही हूँ। सो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ बिकॉज मैं जितनी बार भी देखती हूँ कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स, इतने प्यारे प्यारे लाइक डीएम्स जो मुझे मिलते हैं, मैं जितना शुक्रिया करूँ उतना कम है मेरे लिए। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, आई लव यू गाइस अ लॉट। थैंक यू मैम इतना कीमती समय देने के लिए। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालें, मैं मैम से वापस किसी भी तरह संपर्क करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।